1,30,000 रुपये इसका रेट रखा है। तो बहुत अच्छा पशुधन मैं कह सकता हूँ, खूबसूरत पशुधन है। फर्स्ट बात की है भाई, बहुत तगड़ी जोटी है। दांतों में पता हो? दांत नहीं पड़े भाई। अच्छा, दांत नहीं पड़े अभी, थोड़ा सा ले जाओ भाई। इसका 85,000 रुपये। 85,000 रुपये? बिल्कुल जी। तो आप जो खरकी है उनका रेट कम रखते हो? रेट कम ही रहता है हमारे पास। अच्छा, कम ही रहता है। ऐसे बिक्री के लिए लग जाती है तो हम दे देंगे। हाथन की, धार की, बार की गारंटी रहती है। कहीं तो भाई ने बोल दिया सो तोल दिया भाई। और हाथी की तरह भाई चाल डाल देख सकते हो, फुल हाइट वेट लेंथ का और सुपर क्वालिटी का पशुधन है भाई। कम से कम भी अभी 18 लीटर के करीब जाने वाली है जी। 18 लीटर के करीब 4x4 ऑर्डर की है। 4x4 ऑर्डर बोलते हैं। कटड़ी है, बहुत अच्छा रेट है। जो भी साथी खरीदना चाहे, 2 टाइम की जगह 3 टाइम कह दे। 4 टाइम दो लिए। हाँ, अच्छा, 4 टाइम। और रेट कितना? 75,000। संतुष्ट होना है। इसलिए ये डेयरी फार्म फेमस है क्योंकि भाई जायज रेट का काम करते हैं और काफी पूछते नहीं काम है। हमारे दोस्त इनके पास से लेके गए। अच्छा, उन्होंने आपको बताया? हमें। और आप उनको देख करके आए और आपको देख करके अभी और भाई आएंगे? आएंगे बिल्कुल। अभी पोते को संभाला दिया काम? हाँ जी, हमारा 4 पीढ़ियों का काम है। 4 पीढ़ियों का? हाँ जी, हाँ जी। पहले मेरा डैडी करता था, फिर मैं करता था, अब बेटा पोते वो कर रहे हैं। 4 पीढ़ी हो गई। तो ये देखें भाई, 4 पीढ़ियों का डेयरी फार्म। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। दोस्तों, आज की वीडियो भाई राजपुरा माजरा से लेकर के आए हैं, जो कि जिला सिरसा में पड़ता है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, भाई के पास जो डेयरी फार्म है, बिक्री के लिए काफ़ी पशुधन है और काफ़ी अच्छे रेट के, जायज़ रेट के उनके पास पशुधन भी है। तो जो भी साथी खरीदना चाहता है उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकता है। एक बार उनका एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर एक एक पशु के बारे में पूरी डिटेल लेंगे, कितने दूध पे है, कितने दिन की ब्याई है, कैसे है। और भाई का काफ़ी दिनों से मैं ये कह सकता हूँ कि बिक्री का काम है। बिल्कुल। तो एक बार भाई एड्रेस पता बताएं अपना। एड्रेस विलेज राजपुरा बाजरा। पहले तो राम राम सभी दर्शक चैनलों को, जो भी प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। राम राम आपको भी भाई। ठीक है। मेरा गांव राजपुरा माजरा जी, नियर मंडी डबोवाली है। बठिंडा हमारे को बड़ा जंक्शन लगता है, हरियाणा का हमारे को सिरसा जिला लगता है, राजस्थान का भी बॉर्डर और पंजाब का भी बॉर्डर है। अच्छा, तो बीच में होगढ़ में? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो कितने दिनों से आप व्यापार का काम कर रहे हो भाई? व्यापार जी, पीछे दादाजी बैठे हुए हैं। अच्छा, इनकी देख रेख में। अच्छा, और सामने उधर पापा जी बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, उस तरफ में अंदर। अभी आप संभाल रहे हो? अभी हम संभाल। ठीक है। तो टोटल कितने पशु हैं अपने पास? टोटल अभी मेरे पास बिक्री के अलावा जो है 12-13 पशु हैं। अच्छा, और बिके हुए हैं उसमें से 8-9 हैं। टोटल मेरे पास 25 पशु हैं। तो कहाँ कहाँ पर बिक्री का पशुधन जाता है? अभी मेरी ये महाराष्ट्र नदेड़ साहब, श्री नदेड़ साहब। अच्छा, ठीक है, जो सिखों का भी पवित्र स्थान है, वहाँ के लिए लोडिंग है। अच्छा, कल मेरा एमपी में हर जगह जाता है अपना, हर जगह। बिल्कुल। तो गाड़ी लोडिंग का भी काम? बिल्कुल जी। तो ये देखें भाई, भाई के पास से मैं आपको पहले ही बताया था बिक्री का काम है, और एक जगह से आप अच्छा पशुधन खरीद सकते हो अपनी मर्जी का, तैयार दूध का भी, ब्याने वाला भी, बगैर ब्याई भी, फर्स्ट टाइमर भी, सेकंड टाइमर भी, काफी अच्छे अच्छे पशु आज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो भी साथी भाई ऑनलाइन भी अगर खरीदना चाहता है तो वो भी इनसे बातचीत कर सकता है, पशुधन ले सकता है। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का क्या सुविधा रहती है? ट्रांसपोर्ट हम दे देंगे। अच्छा, फ्री वाला कोई काम नहीं? नहीं, फ्री वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो आप करके दे दोगे? हाँ, करके दे देंगे। हाँ, खर्चा आगे वाले को देना पड़ता है ना। वीडियो में ऐसा भी बोलते थे ना, ट्रांसपोर्ट हमारी तरफ से फ्री है, उसमें सेटिंग कर लेते हैं वो। हमारी तरफ से वो नहीं है, चाहे वो 200 किलोमीटर जाए, चाहे वो 2000 किलोमीटर जाए, आप गाड़ी करके दे दो। हाँ, ट्रांसपोर्ट हम दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक एक पशुधन की जानकारी लेंगे भाई। तो ये देखें भाई, पशुधन आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत पशुधन है। सिंगों की क्वालिटी देखें चाहे, और बहुत छोटा सिंह का पशुधन, और अंडर क्वालिटी भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, चला करके दिखा देता हूँ ताकि बिक्री के लिए है जो भी साथी खरीदे। और बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ भाई, आज ही की ब्याई है, और इसके दूध कितना है, क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। टेल देख सकते हो आप, घुटनों से नीचे की, और सफ़ेद कम से कम मैं ये कह सकता हूँ भाई 5 इंच के लगभग भाई टेल भी सफ़ेद है, और थनों की क्वालिटी है काफी अच्छी है। आज ही बच्चे को जन्म दिया है इसने? कल दिया भाई, कल दिया है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो नीचे कटड़ा है या कटड़ी? कटड़ा है जी, कटड़ा है। तो ये सेल के लिए रखी है ना? हाँ जी, हाँ जी, सेल के लिए। इसका रेट भाई? रेट इसका 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये इसका रेट रखा है। तो भाई दूसरे बार बच्चा दिया है? हाँ जी, हाँ जी, दूसरे बार। तो पहले की क्या डिटेल है इसकी? पहली ब्यांत में 13-13.5 लीटर के करीब रहा है। अच्छा, 13.5-14 के जी। अभी कच्चा दूध 8-8.5-9 लीटर निकल रहा है।
अच्छा। आज दूसरे दिन आज सुबह सारी खाली कर दी थी, खीसे खाली हो ली। बिल्कुल जी, ठीक है। तो खीसे खाली हो चुकी है भाई, जो भी साथी हो बिल्कुल पास करके इसको ले सकता है। और इसका जो रेट बताया है भाई ने कितना, 1,30,000 रुपए इसका रेट रखा है। तो बहुत अच्छा पशुधन मैं कह सकता हूँ भाई, खूबसूरत पशुधन है। तो नजदीक के जो भी साथी है भाई संपर्क करें, भाई का गाड़ी लोडिंग का भी काफी अच्छा काम है, काफी पशु सेल के लिए रहते हैं। ये भाई कहाँ से आए हुए हैं और जो खरीदने आए हुए हैं? वो जो वहाँ अंदर बैठे हैं वो भाई साहब नदेड़ से, महाराष्ट्र से। दूसरा लेके? अच्छा, महाराष्ट्र से। बिल्कुल, नदेड़ से। हाँ जी। तो अभी कितने पशु लिए हैं उन्होंने? उन्होंने 8 पशु लिए हैं, एक कटड़ा लेना है अभी, कटड़ा कटड़ा भी लेना। हाँ, तो आपके पास है या और कहीं से भी दिला? वो बात चल रही है, वो इन्होंने सब देखा है कल, थोड़ा भाव में सेटिंग नहीं बैठा। अच्छा, तो उसके लिए बातचीत चल रही है। लोडिंग तो आज का था लेकिन अच्छा। वो कटड़े पे बात कटड़े के कारण हल्का रह गया। तो कितने पशु आपने अभी देखे हैं भाई के पास? भाई के पास तो हम लगभग 8 भैंस लिए हैं। 8 भैंस लिए हैं, तो एक कटड़ा और बाकी कटड़ा हम लेने का। कितने दिनों से ले रहे हो आप इनके पास? हम तो इनके पास आके 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए घूम फिर। तो रख रखाव वगैरह, भाई का खान पीन वगैरह? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। अच्छा। हर चीज की हर सुविधा हमारे, क्योंकि आपकी बात सभी सुन रहे हैं और भी आपसे सुन करके और भी आएंगे। तो अच्छा व्यवहार किया? नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम बढ़िया कारोबार। रेट में भी अच्छी, रेट में अच्छी दिलाई है, अच्छी मिली है, हर चीज अच्छी। सारा 2 टाइम दूध देखा है? दोनों टाइम का दूध धो के लिए है, धो करके लिए तसल्ली है, तसल्ली है। तो ये देखें भाई, तसल्ली वाली जगह से आप पशुधन देख सकते हो। और जो अभी 2 नंबर का पशुधन है वो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं साथ के साथ। ये भी सेल के लिए रखा है, अच्छी हाइट लमेट का पशुधन है। ये भी खूबसूरत, ये देखें थड़ों की बनावट देखें भाई, बहुत खूबसूरत जो थन है इस जोटी ने लिए हैं। तो इसके बारे में एक एक डिटेल देंगे आपको। ये कौन से ब्याह की है भाई? दूसरी बार बच्चा देना है अभी। जी, जी। तो बच्चा नहीं दिया है अभी। कितना टाइम बाकी है इसका? अभी इसके 5-6 दिन बाकी। 5-6 दिन बाकी हैं, लेकिन थनों की अड्डर की क्वालिटी अभी से बहुत अच्छे भाई। और मैं ये कह सकता हूँ अगर 4-5 दिन अगर और ले लेती है तो बहुत अच्छे और भी अड्डर क्वालिटी करेगी। और हाइट लमेट में दोबारा दोहरा देता हूँ, बहुत अच्छा अड्डर क्वालिटी है। और इसका रेट और बता दे भाई, इसका बिक्री वाला? इसका भी 1,18,000 रुपये। 1,18,000 रुपये, देखे भाई बहुत अच्छा रेट भाई ने दिया है। और 1,18,000 रुपये जो कि इस ब्यात में मैं ये कह सकता हूँ बहुत अच्छा ब्यात पड़ता है भाई, पूरी सर्दी गर्मी जो दूध देने वाला ये ब्यात पड़ जाता है। और जो भी साथी इसको खरीदना चाहता है, 1,18,000 रुपये की इसकी कीमत रखी है, ले जाओ भाई। और अगले वाला नेक्स्ट लिया। तो ये देखें भाई, और एक और पशुधन निकल करके आया है जो कि माथे में भाई इसके टीका है। और ये भी ब्याई हुई है, कई दिन की ब्याई होगी भाई? ब्याई को 12 दिन हो गए। 12 दिन की ब्याई होगी। और दूध मौके पे? दूध निकालने वाला 13.5-14 लीटर है। 13.5-14 kg दूध तैयार है भाई। और अर्डर क्वालिटी आप देख सकते हो, थनों की बनावट एक बार मैं फिर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये भी बिक्री वाला पशुधन है। एक बार लंबा ले जा भाई, लंबा ले जा। चारों के जो चारों थन है बहुत अच्छे मैं ये कह सकता हूँ जोटी ने निकाले हुए हैं। और कौन से ब्यात बच्चा दिया है? तीसरी बार नीचे मेल काफ है इसके। हाँ, तीसरी बार बच्चा दिया है। और 13.5-14 kg दूध तैयार, बिल्कुल निकालने वाला तैयार है, निकालने वाला। तीन टाइम तो इसका रेट क्या रहेगा भाई? इसका 1,12,000 रुपये। 1,12,000 रुपये। तो ये देखे भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था साधन जो पशुपालक साथी हैं भाई, ऐसा पशुधन जो जायज रेट का लेना चाहते हैं, तो भाई का डेयरी का काम है और काफी अच्छा मैं ये कह सकता हूँ उनका भाई, ट्रांसपोर्ट का भी काम है। तो दूर स्टेट के भी साथी गाड़ी भरवाई का काम कर सकते हैं। ये और देखें भाई, जो पशुधन निकल करके आया है, अच्छा सींगों की बनावट है इसकी भी। और ये भी यंग जोटी है, थनों की बनावट इसकी भी देखें भाई एक बार, चारों के चारों थन फूल सा खिल रहा भाई जोटी का। इसका भी ये भी सेल के लिए रखी है। और ताजा ब्याई है भाई ये भी। कई दिन की ब्याई होगी भाई? रविंद्र भाई रात ब्याई है, रात को ही ब्याई है। नीचे कटड़ी है, बहुत शानदार। तो नीचे कटड़ी है भाई। और दूसरे ब्यात का है? नहीं नहीं, पहले ब्यात का, पहली ब्यात की है ये। बिल्कुल भाई। और फर्स्ट ब्यात की है भाई, बहुत तगड़ी जोटी है। दांतों में पता हो? दांत नहीं पड़े भाई। अच्छा, दांत नहीं पड़े अभी, थोड़ा सा ले जाए कर रही थी। तो ये देखे भाई, फर्स्ट ब्यात के थनों की क्वालिटी भी बहुत सुपर क्वालिटी का। और फर्स्ट ब्यात जिसको भाई आप लेना चाहते हो, तो फर्स्ट ब्यात का भी पशुधन भाई के पास है। थनों की बनावट बहुत अच्छी, नीचे कटड़ी। और बच्चा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बड़ा सुंदर बच्चा है। दूध भाई इसके खीस से खाली? नहीं नहीं, खीस से खाली नहीं हुई, रात ही बच्चा दिया। अच्छा, सुबह 1.5 लीटर निकाला था, 1.5 लीटर अभी। हाँ, दिन में बच्चा लगाया, अभी फिर बच्चा लगाऊंगा। तो ये देखें भाई, नीचे कटड़ी है, फीमेल काफ है। रेट बता दे भाई, फर्स्ट टाइम रेट इसका 85,000 रुपए। बिल्कुल जी।
तो आप जो खरकी है उनका रेट कम रखते हो? रेट कम ही रहता है हमारे। अच्छा, कम ही रहता है। 85-90। दोस्तों एक बार दोबारा मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ये फर्स्ट टाइमर जो 85,000 रुपए रेट है, जो कि खीस से अभी खाली नहीं हुई है, नीचे कटड़ी है, बहुत अच्छा रेट है। जो भी साथी खरीदना चाहे और जो ब्रीड भी तैयार करना चाहता हो, तो अच्छे सीमन का प्रयोग करके आप छोटे रेट वाली से भी अच्छे पशुधन तैयार कर सकते हो भाई। फौजी भाई बात ऐसे भी है ना, अब ये रात इसने बच्चा दिया है, हमने थोड़ा थोड़ा दूध निकाल के जो भी भाई डिमांड करेगा हम उसको दे देंगे। अगर इसका 10 दिन हमारे पास रुकती है, दूध करते हैं 8-10 लीटर, उसके बाद का जो रेट रहने वाला है वो आपको पता है, खर्चा लग जाता है थोड़ा बहुत। तो हमारा धंधा ये है। अच्छा, तो इसमें कुछ ना कुछ नहीं, तो 10 दिन तक तो यही रेट रखोगे, कहीं इसका बढ़ा दो भाई? नहीं नहीं, 10 दिन नहीं है, अभी जैसे वीडियो आती है 5-4 दिन में, जैसे बिक्री के लिए लग जाती है तो हम दे देंगे। हाँ, थन की धार की भार की गारंटी रहती है। कहीं भाई वीडियो देखने के बाद पूछे भाई बिक्री के लिए, आज 85,000 मांगे, बाद में कहीं 1-10 मांगे पाए? नहीं नहीं, इस भैंस का नहीं मांगूंगा 1-10। 85,000 बोला वो उसमें दूंगा मैं। तो ये देखें भाई, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया है और दोबारा कह देना चाहता हूँ, जो भी साथी इस पशुधन को खरीदना चाहता है, फर्स्ट टाइमर, तो भाई वैसे भी मेरे को तो बहुत पसंद आती है और आप लोगों को कैसी पसंद आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा पशुधन है, 85,000 रुपए जायज रेट, नीचे कटड़ी। तो भाई ने बोल दिया सो तोल दिया भाई, कहीं बदली होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल जी, 5 दिन तक। बिल्कुल। तो ये देखें भाई, एक और यंग जोटी भाई ने बाहर निकाली है, तो इसको भी मैं दिखाना चाहूंगा। तो जो भी साथी खरीदना चाहे तो इसको भी खरीद सकता है भाई। अच्छे पीठ पुट्ठे की है, अडर क्वालिटी भी काफी शानदार, और ये भी सेल के लिए रखी है। कई दिन की ब्याई होगी भैया? भैया ब्याई को 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन की? 10 दिन हो गए, 10-11 दिन। दूध कितना मौके? दूध निकालने वाला 9-9.5 लीटर है। अच्छा, दूध 9-9.5 kg दूध। इसका रेट भाई? रेट इसका 1,05,000 रुपए। 1,05,000 रुपए भाई, जैसा दूध है वैसा भाई ने रेट भी बता दिया है इसका, और इसको भी आप खरीद सकते हो जो भी साथी खरीदना चाहता है। और 1,05,000 रुपए जो एक इधर जाने दे। ठीक है ठीक है ठीक है, डरती है जो कि एक जायज रेट हो जाता है 1,05,000, और चोर शटर क्वालिटी की है, कोई किसी प्रकार की कान छपाण नहीं है भाई। तो ये देखें भाई, बहुत टॉप क्वालिटी का पशुधन भाई के पास एक और सेल के लिए रखा है, और इसकी अडर क्वालिटी थनों की बनावट देख सकते हो, जो कि बच्चा देने में अभी काफी टाइम बाकी है, लंबा ले जाए भाई। और हाथी की तरह भाई चाल डाल देख सकते हो, फुल हाइट वेट लेंथ का, और सुपर क्वालिटी का पशुधन है भाई। इसका भी रेट जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये कह देता हूँ, अच्छा क्वालिटी वाला पशुधन है। जो और पशु मैंने दिखाए हैं उनसे इसका भाई रेट ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि सिंगों की बनावट देखें, चाहे हाइट लेंथ देखें, चाहे थनों की बनावट देखें। कौन से बार बच्चा देगी भाई ये? दूसरी बार देगी। दूसरी बार, थनों का गैप देखें भाई। और कितना टाइम बाकी है? अभी कम से कम भी 6-7 दिन बाकी है। 6-7 दिन बाकी हैं, तो ये कह सकता हूँ भाई, अगर 6-7 दिन पूरे करती है तो और भी ज़्यादा अच्छा ये ऑर्डर करके आएगी। और इसका भी रेट की जानने की कोशिश करेंगे भाई। ये बिक्री के लिए रखी? बिक्री के लिए। तो कैसे भाई ये? प्रवीण भाई ये तैयारी पे जैसे लगेगी उस वक्त ही बताएंगे। अच्छा, उस इसका जो अच्छा चाहवान आदमी है ना, इसने पहले ब्यांत का 14 लीटर का किसान के घर का दूध दिया है। किसान के घर? हाँ, ज्यादा जानकारी लोगे तो हम उस किसान के घर पे लेके जाएंगे, जहाँ से हम लेके आए हैं। प्रॉफिट जो हमने लेना वो लेना ही है। अभी 6 दांत में है। अच्छा, कम से कम भी अभी 18 लीटर के करीब जाने वाली है जी। 18 लीटर के करीब? देखे भाई, बताने को तो चाहे फर्स्ट व्यात में 18 kg बता देते, बिल्कुल जी, लेकिन भाई ने 14 kg दूध बताया और 18 kg भाई दूध निकालना भी चाहिए, जो जोटी की पोजीशन बता रही है। और जो जानकार हैं वो भी समझ भी जाएंगे, पीठ पुट्ठे क्वालिटी लगाओ चाहे कैसे भी इस जोटी के। एक बार सिंह देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सिंह है, फेस है वो भी खूब, छेड़खानी किसी तरफ नहीं की भी। अच्छा, कुछ कटिंग वगैरह करवाई हो सिंगों को या किसी प्रकार? ओरिजिनल सिंग, ओरिजिनल थन बनावट, ओरिजिनल। अभी दिनों के हिसाब से ना, अभी अडर का है, ये देखो, देखो आप थन बहुत अच्छा निकला, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक अडर करने वाली है, और गैप बहुत अच्छा है भाई, गैप 4x4 अडर की है, 4x4 अडर बोलते हैं। अच्छा ठीक है भाई, पंजाब में तो बहुत चलता है वैसे भी, बिल्कुल जी। तो भाई इसको कोई रेट रखा है या कैसे करोगे? नहीं भाई, इसका रेट मौके पर करोगे? मौके पर भाई, ब्याह जाएगी तो ब्याहने से पहले, ब्याहने के बाद कोई लेगा तो ब्याहने के बाद, बिल्कुल जी। वो आप देख ही लो, तैयारी जैसी लगेगी उस हिसाब से रेट, उस हिसाब से रेट जी। ठीक है, पहले कहना भी गलत है भाई, आज मान ले इतना दूध का आके इतना 18 kg दूध देगी, उतना रेट कह दे तो वो भी ठीक नहीं है, और कम भी रह जाए तो भी ठीक नहीं, बिल्कुल जी। ठीक है भाई, तो ये भाई की जानकारी थी, और जो पशुधन खरीदे हैं उनके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं कि किस किस रेट के भाई ने खरीदे हैं, तो रेट भी बता देगा कि भाई वो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आजा,
तो कौन कौन से पशु खरीद के लिए हैं भाई ने इधर? पहले ब्यांत की कटती है भाई। अच्छा, ये पहली ब्यांत की? बिल्कुल, चार दांत में पहले ब्यांत, चार दांतों में है। दिखने में ये भी बड़ी लग रही है वैसे। थोड़ा सा अंदर की तरफ इसके बादी आई हुई है। अच्छा, हाँ जी। कई दिन की ब्याई होगी? ब्याई को आज लगभग 13-14-15 दिन हो गए। 15 दिन दूध? दूध 9-9.5 लीटर निकल। अच्छा, आपने खरीद ली? हाँ जी। कितना दूध है इसमें? इसमें लगभग 9-10 किलो लीटर, 9-10 के जी दूध है। नीचे क्या है? नीचे है कटड़ा। दूध चेक किया अच्छी तरह? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं भाई ने ऐसे खुश करके ने रोक कर दिया? एकदम बढ़िया सा है, संतुष्ट होने। हाँ, कहीं बाद में फोन करे भाई उधर जाके? इधर दो टाइम की जगह तीन टाइम कह दे? चार टाइम धो लिए। अच्छा, चार टाइम। और रेट कितना? 75,000। फिर के लेगा भाई 75,000 में? तो आज के टाइम ब्याज मिलना। अच्छा, ये या बुरी भी आपने ली है? हाँ जी, ये भी ली। अच्छा, इसका कितना दूध है भाई? इसमें 12 किलो लगभग दूध है। 12 किलो लगभग? हाँ, अभी तैयार है। हाँ। ये कह रुपया के लिए? ये लिए है 85,000 की। 85,000 रुपए की? मैंने वीडियो की स्टार्टिंग से बोल रहा था दोस्तों, इसलिए ये डेयरी फार्म फेमस है क्योंकि भाई जायज रेट का काम करते हैं और काफी पुश्तैनी काम है। और जो बाबा जी भी हैं, उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी मिलाऊंगा। बहुत पुराना काम है और भाई का अच्छा उन्होंने रेट दिया, इसलिए भाई भीड़ लगी रहती है। और आप देख भी सकते हो, मैं गगन आप सभी भाइयों को प्रेमी डेयरी फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। और हमारे यहाँ पर साहिवाल, राठी, थारपारकर, गिर और क्रॉस ब्रीड की गायें ब्याज सेल के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। भाई ने सारी बातें लिख रखी हैं। और जो भी भाई आपने अच्छी तरह ऑनलाइन ले या कैसे भी ले, अच्छी तरह चेक करके दूध खुद निकाल करके आप ले सकते हो। और ये भी आपने खरीदी? हाँ जी। तो ये कितने दूध की है? ये लगभग 4 दिन हो गए जन के। अच्छा, इसमें 9-10 किलो दूध अभी। 4 दिन की भाई का 9-10 किलो? 9-10 किलो। बहुत अच्छा दूध निकालेगी फिर तो, 15-16 किलो से ऊपर रखेगी। बिल्कुल ठीक है। ये किस रेट में? ये लिए है 90,000 की। 90,000 में? तो सारी लाख से नीचे का पशुधन भाई ने खरीदा है। बहुत अच्छा। तो भाई का व्यवहार कैसा लगा? व्यवहार तो हमारे को तो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है? पहले हमारे दोस्त इनके पास से लेके गए। अच्छा, उन्होंने आपको बताया? हमें। और आप उनको देख करके आए? और आपको देख करके अभी और भाई आएंगे? आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तसल्ली की बातें थी भाई, बहुत अच्छी बात है। मौके पर भी अच्छा, गाय का भी काम है। ठीक है, तो गाय कौन कौन सी नस्ल की रखते हो आप? गाय कौन सी भी नस्ल की ले लो, अभी ये तो रुकी हुई थी मेरे पास। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैंने आज आपको दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, गाय चाहे कौन सी भी नस्ल की ले लो, हरियाणा की ले लो, HF साहिवाल जर्सी, एक पंजाब की क्रॉस जर्सी है और ये एक हिमाचल की जर्सी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये बिक्री के होली क्या? नहीं नहीं, बिक्री के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल है? हाँ, तो इनके रेट बताई दे ना भाई, साथ के साथ बिक्री ये भाई 35,000 की दे देंगे। 35,000 की दूध? दूध अभी निकालने वाला 9-10 लीटर है। अच्छा, ले भाई 35,000 में भी जर्सी नस्ल मिल गया जो आपको छोटे से छोटे रेट की, भाई जो भी साथी दूध पी सकता अपना भाई। और या ये भाई दे देंगे 42,000 की। 42,000 की इसका दूध? इसके दूध है 10-10 लीटर और ये पीछे बछड़ी है भाई। पीछे बछड़ी है? हाँ जी। तो ये रेट बहुत अच्छे भाई ने बताए हैं। और भी ये भी बिक्री? हाँ, ये बिक्री के लिए इन्होंने ली है भाई साहब ने। अच्छा, ले ली है? अभी एक मंथ बाकी है। अच्छा, हाँ, ज्ञापन भी ले ली? हाँ, ज्ञापन ले रही है, एक मंथ बाकी है। कहीं रस्ते में गाड़ी में जाते भी आ जाए? कोई दिक्कत नहीं आएगी, मंथली वाली को कोई दिक्कत नहीं आती। 2-4 दिन वाली को, 10 दिन वाली को वो दिक्कत आ जाती है। वो ड्राम में रहता है ना जो पशु। हाँ। तो वो डर के मारे पहले बच्चा दे देता है, ऐसी कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। चलो बाबा जी हैं, उनसे भी मिलते हैं भाई, उनका भी एक्सपीरियंस लेंगे। और ये नीली रावी भी? नीली रावी अपने घर की भैंस है। घर की? कितने दूध की है ये? दूध इसने दूसरे बार में दिया 16-17 लीटर। 16-17 दूसरे बार तुम? हाँ जी। आपकी बार तीसरी बार? बिल्कुल तीसरी बार जी। कितना दूध है? दूध अभी तीसरी बार, अभी जनने के इसके पड़े हैं 20-25 दिन। अच्छा, हाँ जी, 20-25 दिन अभी बाकी। बिल्कुल ठीक है। और राम राम जी बाबा जी, ठीक हो जी? और बढ़िया हो? बढ़िया। क्या नाम अपना? मुंशीराम। मुंशीराम, तो अभी पोते को संभाला दिया काम? हाँ जी हाँ जी, हमारा चार पीढ़ियों का काम है। चार पीढ़ियों का? हाँ जी हाँ जी, पहले मेरा डैडी करता था, फिर मैं करता था, अब बेटा पोते वो कर रहे हैं, चार पीढ़ी होगी। तो ये देखे भाई, चार पीढ़ियों का डेयरी फार्म, हम तो पहली बार पहुंचे हैं जो इतना पुराना डेयरी फार्म भाई लगातार जो वैसे उपलब्ध कराता है। बहुत बड़ी बात है भाई, किसी को लेकर के देना भाई, और आपको घूमना फिरना नहीं पड़ता, एक ही जगह पर आपको पशुधन मिल जाता है। तो बाबा जी कुछ कहना चाहोगे जो नए बच्चे हैं, ये पशुपालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ, पशुपालन करना चाहिए जी, कमाई का साधन है, जब सही ढंग से सही अच्छी नीयत से करेगा तो कमाई का साधन है। अच्छी नीयत से करेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो हेरा फेरी चूचरा की करेगा तो फिर लेने देने का कुछ नहीं है, ऊपर वाला न्याय करता है जी, ऊपर वाला न्याय। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपने। नेक नीची से काम करेगा तो मजदूरी पड़ने पड़ती है जी, मजदूरी पड़ती है। बहुत बढ़िया। तो एक बार दोबारा भाई का एड्रेस पता जान लेते हैं, फोन नंबर जान लेते हैं, ताकि भाई जो भी साथी खरीदना चाहे या कोई बात करना चाहे तो उनसे बेधड़क होकर बातचीत कर सकता है। एक बार एड्रेस पता दोबारा दोहरा दे भाई। एड्रेस विलेज राजपुरा जी, नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
फोन नंबर 9496602872 9466082 ये व्हाट्सएप नंबर है, 8190-28782। और कोई विशेष सुझाव, कोई बातचीत करना चाहते हो भाई प्रवीण मोरा फार्म चैनल के द्वारा? आप यही है कि जैसे इशार उधर ज्यादा वीडियो लगता है आपका जी, तो हमारी तरफ से थोड़ा लॉन्ग ड्राइव चलता रहता है इधर कभी कभार, तो भाई साहब ने आपसे काफी समय से बातचीत कर रहे थे, आज सौभाग्य हुआ प्राप्त आपको मिलने का, तो हमारे को भी बहुत अच्छा लगा, हम भी आपकी वीडियो देखते हैं अच्छे अच्छे पशुधन की, लेकिन हमारे भी है आपका ही दिया हुआ जी, आपके डॉक्टरों द्वारा दिया गया, हमारे पास भी अच्छे अच्छे पशुधन है जी। बाकी वीडियो की बात है, हमारे अलग अलग चैनलों पर वीडियो लगती रहती है जी, ठीक है, सेल परचेज का काम है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब जब वीडियो लगेगी तभी पशु मिलेगा, हर मर्जी 24 घंटे। तो सबसे बड़ी बात यह भाई 24 घंटे में किसी भी टाइम अगर आओगे तो ये नहीं सोचना वो बिक गए होंगे और मिलेंगे, तो कोई भी पशुधन आप खरीद सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।